नमस्कार, मैं शालिनी। आज मैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ आप सबके सामने उपस्थित हूँ। आज मैं साबूदाना की खिचड़ी बनाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने लिए हैं मीडियम वाले साबूदाना, है ना, बहुत बड़े ना छोटे। इससे क्या करना है कि जितना साबूदाना है, अगर एक बाउल साबूदाना है तो एक बाउल ही पानी डालकर 2 घंटे फूलने छोड़ देना है। 2 घंटे में साबूदाना बिल्कुल अच्छी तरह से फूल जाती है। उसके बाद आपकी मर्जी है, आप इसे 3 घंटे रखें, 4 घंटे रखें, आपकी मर्जी है, लेकिन साबूदाना 2 घंटे में बहुत अच्छी तरह से फूल जाती है। मैंने साबूदाना को फुला कर रखे हुए हैं। इसमें डालने के लिए हमें चाहिए हैं आलू। ये कच्ची आलू है, इसे मैंने छील कर पीसेस में काट लिए हैं। थोड़ी सी मूंगफली है, मूंगफली को मैंने पहले से रोस्ट करके रख लिया है और इसे छिलका हटाकर अब इसे मैं मिक्सी के पॉट में डालकर पाउडर बना लूँगी। जीरा, नमक, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता इसमें डालने के लिए चाहिए हैं। और इसे बनाने के लिए मैं मूंगफली का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। ये एक चम्मच, इस चम्मच से बड़ा चम्मच से 1 चम्मच और छोटा चम्मच से 2 चम्मच तेल लग जाएंगे। बनाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले कढ़ाई को गर्म होने चढ़ा देना है और उसमें 2 छोटे चम्मच तेल डाल देना है। इसमें तेल ज़्यादा नहीं डालना है, बाद में बहुत तेल रह जाती है, इसलिए इसमें बहुत कम तेल में ये बन जाती है। इसमें जीरा डाल देती हूँ 1 चम्मच, हरी मिर्च, चाहे तो इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च के थोड़ा पकते ही इसके कलर चेंज होने चाहिए, तब ये थोड़ी सौंधी हो जाएगी। इसमें कड़ी पत्ता डाल देते हैं। अगर कड़ी पत्ता ना हो तो भी ये बहुत अच्छी लगती है। ऐसे करी पत्ता से इसकी टेस्ट थोड़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अब इसमें आलू डाल देती हूँ। और मैं इसमें एक बाउल, अगर छोटा बाउल से मतलब 100 ग्राम के करीब अगर साबूदाना है तो 1 छोटी चम्मच नमक लग जाती है। चूँकि ये ज़्यादातर लोग व्रत में खाते हैं तो इसे सेंधा नमक से तैयार करते हैं। मैंने भी सेंधा नमक ही लिया है, व्रत की नमक कहते हैं इसको, तो ये 1 चम्मच लग जाती है। वही मैं इसमें 1 चम्मच डाल देती हूँ। और मैंने इसमें 2 आलू लिए हैं और उसके जैसी मर्जी वैसे पीसेस कर लेंगे। और अब मैं इसे थोड़ा पकने के लिए छोड़ूंगी। आलू पक जाने चाहिए। आलू पक गए हैं, इसे आप चेक करके देख सकते हैं। इस तरह से देखेंगे तो ये कट जाएगी, तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक गई है। मैंने आलू को छीलकर काटा है। और अगर आपको आलू छीलकर इसलिए काटा है कि अगर आप इसे बिना छीले काटेंगे तो ये थोड़ी सी लठलठ हो जाएगी, तो इसे छीलकर और जब काटते हैं उसके पहले तो आलू को धो देना है, तो ये थोड़ी चटचट टाइप की नहीं होगी, ये खिली खिली रहेगी। अगर आलू को खिला खिला बनाना है तो आलू को छीलकर धो दें, वैसे इसकी पौष्टिकता उसी चटचटेपन में ही होती है, लेकिन खिला खिला बनाने के लिए इसे धो देते हैं छील कर। और अब इसमें साबूदाना डाल देते हैं फूली हुई। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और मिक्स करके और अब इसे थोड़ा ढक कर 2 मिनट के लिए छोड़ देना है, तेज आंच पर नहीं सीम आंच पर। अब इसे
निकाल कर देख लेते हैं। 2 से 3 मिनट सीम आँच पर जब इसे ढक कर पकाएंगे तो ये देखिए साबूदाना अपना कलर बिल्कुल चेंज कर देती है, बिल्कुल पानी की तरह हो जाती है ये। और अब इसमें मैं मूंगफली का पाउडर डालूंगी। मैं मूंगफली का पाउडर इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ कि मूंगफली तो जो जिनके दांत मजबूत होते हैं वो आराम से खा लेते हैं, लेकिन जिनके दांत कमज़ोर हो जाते हैं, बुज़ुर्ग लोग को भी तो साबूदाना खाने की इच्छा होती है, तो उन्हें मूंगफली छांट कर हटाना पड़ता है। अगर उसमें पाउडर डाल देंगे तो वो भी बहुत आराम से सब कुछ खाएंगे। इसे व्रत में ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट होती है। इसमें आलू भी कार्बोहाइड्रेट, ये साबूदाना भी कार्बोहाइड्रेट, और इसे तेल में पकाते हैं, और मूंगफली फुल ऑफ प्रोटीन होती है, तो हमें हर चीज़ एक तरह से मिल जाती है, जो हमारी खाने की जो सब चीज़ होती है, तत्व होती है, वो सभी चीज़ इसमें मिल जाती है। तो बुज़ुर्गों के लिए भी साबूदाना की खिचड़ी बनाएं और इस तरह से बनाएं, तो वो लोग को भी मूंगफली का भी स्वाद आ जाएगा, उन्हें छांट कर मूंगफली हटाना नहीं पड़ेगा। मैंने इसमें मूंगफली का पाउडर डाल दिया और अब मैं इसे मिक्स कर देती हूँ। देखिए इसमें तेल अगर ज़्यादा डालेंगे तो बहुत तेल रह जाती है, इसलिए बहुत कम तेल में बहुत अच्छी बनती है। देखिए कितनी खिली खिली बनी है। मूंगफली भी चूँकि भून कर पाउडर तैयार की हुई है तो इसे अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे मिक्स किया और ये हो गई तैयार साबूदाना की खिचड़ी। और देखिए कितनी खिली खिली बनी है, एकदम खिली खिली बनती है, बल्कि मूंगफली का पाउडर डाल देने से ये और खिल जाती है। अब इसमें चाहे तो थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती डाल दें, ये तो अपने टेस्ट के ऊपर है, नई मर्जी है तो ना डालें। तो लीजिए हो गई साबूदाना की खिचड़ी तैयार। तो इस तरह से बहुत ही स्वादिष्ट, पौष्टिकता से भरपूर साबूदाना की खिचड़ी तैयार की जाती है और ये बिल्कुल खिली खिली रहती है। इसके खिले खिले रहने का कारण पता है क्या है? एक तो कि इसे फुलाने में ध्यान रखना है, जब हम साबूदाना फुलाते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा पानी में ना फुलाएं, और उसे ज़्यादा देर फुला के कोई फ़ायदा नहीं है, 2 घंटे में बहुत आराम से फूल कर खिल जाती है। इसमें उतना ही पानी डालना है जितना साबूदाना लिया गया है, अगर 1 बाउल साबूदाना है तो 1 बाउल पानी में ही इसे फुलाएं, बिल्कुल खिल कर तैयार हो जाएगी, इसके कारण ये बिल्कुल खिली खिली बनती है। आप भी इसे बना कर देखें, और इसे बुज़ुर्ग भी बहुत मज़े से खा सकते हैं क्योंकि इसमें उन्हें मूंगफली छांटनी नहीं पड़ेगी, ऐसे उन्हें मूंगफली छांट कर दी जाती है क्योंकि उनके दांत में प्रॉब्लम होती है, नहीं खा पाते हैं, तो वो भी हर चीज़ का स्वाद ले सकते हैं। इस तरह से साबूदाना की खिचड़ी तैयार करें और अपने कमेंट्स में से ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।